झारखंड के चतरा जिले में गुरुवार को अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना क्षेत्र के चतरा डोबी मुख्य मार्ग NH 22 पर स्थित घंघरी इलाके से घर में छुपा कर रखे करीब 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया गया है। उत्पाद अधीक्षक शिव कुमार साहू ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि घंघरी इलाके के घर में ड्राई स्टेज बिहार में अवैध रूप से तस्करी करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अवैध अंग्रेजी शराब का भंडारण तस्करों द्वारा किया गया है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए छापेमारी टीम का गठन कर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ही घर में छुपा कर रखे गए अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया गया। जब्त सभी शराब की बोतलों पर इम्पीरियर ब्लू कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब की खेप को जब्त करने के बाद तस्करी में शामिल अजय दास नामक तस्कर की पहचान की गई है। साथ ही उसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत FIR दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत घंघरी नामक स्थान पर, जो घंघरी मछली बाजार के बगल में भुइया टोली जगह का नाम है, वहाँ पर विभिन्न घरों में हम लोगों के द्वारा छापेमारी के लिए, छापेमारी के क्रम में 30 पेटी लगभग फॉर सेल इन चंडीगढ़ ब्रांड का शराब हम लोग इम्पीरियल ब्लू जब्त किए। और इसमें मुख्य अभियुक्त अजय दास, जो कि उसके घर के उसी गांव का, घंघरी गांव का ही व्यक्ति है, वो इन्वॉल्व है, जिसके पिता का नाम उमेश दास है। और अजय दास मुख्य रूप से करता क्या है कि सभी जो भुइया टोली है, सभी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को संतरा वगैरह दे के या हल्का फुल्का शराब दे के, पैसा दे के सबके घरों में थोड़ा 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 मात्रा में शराब रखता है और वहीं से वो स्मगलिंग करता है। इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त थी, उसी के आलोक में आज हम लोग उत्पाद टीम छापामारी किए। तो मुख्य रूप से बिहार या फिर चूँकि बॉर्डर यहाँ से घंघरी से थोड़ा दूर है, इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि लोकल स्तर पर भी उसका खपाया जाता था, जिससे हमारे राजस्व की भी क्षति होती है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक शराब माफिया अजय दास बिहार में तस्करी करने के उद्देश्य से शराब के खेप को स्थानीय स्तर पर गरीब परिवारों के लोगों को पैसे और शराब का लालच देकर उनके घरों में अवैध तरीके से शराब का भंडारण करता था। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट।